फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम भी पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर एक सड़क दुर्घटना में 15 मजदूरों की मौत हो गई है। देर रात को एक ट्रक पलट गया जिससे गाड़ी में सवार मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी है कि जलगांव जिले के यावल तहसील में किनगांव के पास सड़क दुर्घटना हुई है। उत्तराखंड के चमोली में आपदा के बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही अब तक निकाले गए शवों की संख्या 54 हो गई है, जिसमें से 13 शव रविवार को बरामद किए गए, जिसमें से 25 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है, बाकी की शिनाख्त की जा रही है। दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत ने 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया है, जिसके बाद से ही ये मामला राजनीतिक तौर पर भी तुल पकड़ रहा है। कई विपक्ष के नेता और एक्टिविस्ट संगठनों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को गलत बताया है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा आज दोपहर 1 बजे बिजनौर के चांदपुर स्थित रामलीला मैदान में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान महासभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं मेरठ में प्रियंका वाड्रा का दौरा टाल दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।